प्रदेश के मंडी जिला के स्वारघाट में बुजुर्ग महिला को डायन बताकर पिटाई करने के मामले में प्रदेश महिला आयोग चेयरमैन डेजी ठाकुर ने हमीरपुर पहुंचकर पीड़ित बुजुर्ग महिला और उसके परिजनों से अकेले में मुलाकात की है। हमीरपुर पुलिस के पहरे में पीड़ित महिला राजदेई को सर्किट हाउस लाया गया, जहां पर प्रदेश महिला आयोग चेयरमैन डेजी ठाकुर ने बातचीत कर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर ADC हमीरपुर रतन गौतम, SP अजित सेन भी मौजूद रहे। प्रदेश महिला आयोग चेयरमैन डेजी ठाकुर ने कहा कि सरकाघाट की बुजुर्ग हमीरपुर में अपनी बेटी के पास रह रही थी और महिला से मिलकर सारी जानकारी जुटाई है। उन्होंने बताया कि इस मामले को CM भी पर्सनली देख रहे हैं। उन्होंने बताया कि महिला को आश्वासन दिया गया कि न्याय दिलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि महिला को पुलिस सुरक्षा के साथ मंडी जिला के लिए रवाना किया गया है। हमीरपुर के गांधी चौक आए दिन होने वाले कार्यक्रमों से लोगों की असुविधा होती है तो बाजार में दुकानदारी भी प्रभावित होती है। गत दिवस भी बोरेंस की एक निजी यूनिवर्सिटी के डांस कार्यक्रम को व्यापार मंडल के सदस्यों ने आकर बंद करवाया। डांस कार्यक्रम को बंद करवाने को लेकर व्यापार मंडल के सदस्यों के साथ आयोजकों की भी काफी तनातनी हो गई, जिसके कारण माहौल गर्मा गया। बाद में पुलिस के द्वारा भी मौके पर पहुंचकर बयान कलमबंद किए हैं। हुआ यूं कि निजी यूनिवर्सिटी के द्वारा 3:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक SDM कार्यालय से परमिशन ली हुई थी, लेकिन 5:30 बजे तक पूरे जोर से DJ के बजने पर बाजार के दुकानदार मुखर हो गए। जब इसकी शिकायत व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से की तो तुरंत व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने गांधी चौक पर पहुंचकर चल रहे कार्यक्रम को बंद करवाया। व्यापार मंडल हमीरपुर के महासचिव अश्विनी जगोता ने कहा कि 5:30 बजे तक गांधी चौक तक कार्यक्रम की परमिशन थी, लेकिन 5:30 बजे के बाद भी जोर से DJ बज रहा था। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल के द्वारा जिला प्रशासन से भी इस बाबत बात की जाएगी ताकि इस तरह के कार्यक्रमों से दुकानदारों को परेशानी ना हो। केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ हमीरपुर में जिला कांग्रेस कमेटी ने बाजार में रैली निकालकर खूब हल्ला बोला। धरना प्रदर्शन के दौरान गांधी चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर, प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल, दीपक शर्मा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर, पूर्व विधायक अनिता वर्मा, कुलदीप पठानिया सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने गले में प्याज और सब्जी की माला डालकर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने धर्मशाला में हुई इन्वेस्टर मीट पर सवाल उठाते हुए कहा कि इन्वेस्टर मीट के नाम पर BJP ने मौज मस्ती की है। अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि BJP अपना पक्ष रखने में पूरी तरह नाकाम हो गई है और इन्वेस्टर मीट में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कोई मदद नहीं की है। उन्होंने कहा कि धारा 118 को किनारे रखते हुए हिमाचल निर्माता डॉक्टर YS परमार का नाम तक नहीं लिया है, क्योंकि BJP धारा 118 के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसलिए डर के मारे परमार के नाम को याद तक नहीं किया गया है। मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर PM मोदी को गुमराह करने के आरोप लगाते हुए PM मोदी से हिमाचल में हवाई विस्तार, सड़क विस्तार और रेल विस्तार के नाम पर अपने भाषण में बहुत कुछ कहा, लेकिन धरातल पर हिमाचल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है और PM मोदी को प्रदेश BJP के साथ अफसरशाही गुमराह करने में लगी हुई है। मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकाघाट में बुजुर्ग महिला के साथ हुई घटना शर्मनाक करने वाली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में धर्म के नाम पर भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, जिससे कानून का ग्राफ गिर रहा है, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के ऊना में हुए एबीवीपी सम्मेलन में नशे के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की बात पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में नशे के खिलाफ चली मुहिम में कांग्रेस सरकार के साथ है, लेकिन लगता है कि प्रदेश सरकार का नशा को मिटाना प्रमुख एजेंडा में शामिल नहीं है, जिसके कारण प्रदेश सरकार नशे को खत्म करने में नाकाम साबित हो रही है और आगामी दिनों में आंदोलन की बात कर रही है। प्रदर्शन में नादौन विधायक एवं पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के नदारद रहने पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि निजी कार्यक्रम के चलते सुक्खू प्रदर्शन में नहीं पहुंच पाए हैं। जयराम ठाकुर के कांग्रेस पर दिए गए बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बताएं कि बीजेपी में आज खेमे नजर आ रहे हैं, उनकी सीएम फिक्र करे। उन्होंने कहा कि ये वह कांग्रेस है जो बीजेपी को आने वाले समय में सत्ता से बाहर करेगी।